सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं ईडन गार्डन के बाहर और ये देखो क्राउड भाई। गाइस जो क्राउड और एटमॉस्फेयर है मैं बता नहीं सकता। ये देखो भाई सारा का सारा क्राउड केकेआर का सपोर्टर है और मैं आरसीबी का, ठीक है? ये लोग पीट पीट ना दे मुझे यार। ये देखो भाई क्या हुआ, आईपीएल देखने कब जा रहे हैं? आईपीएल क्यों? अरे तूने तो अपने वीडियो में बोला था ना कि अगर 10,000 कमेंट हो जाएंगे तो आईपीएल देखने जाएगा। हो गए 10,000 कमेंट? हाँ यार हो गए। एक मिनट मैं चेक करता हूँ। देसी आर्मी ओके कमेंट्स। ओ भाई साहब, भाई मुझे लगा था कि ये मेमोरी भी वीडियो है और इसमें व्यूज नहीं आएंगे, 5,000 कमेंट भी नहीं करेंगे। भाई लोगों ने 10,000 कमेंट कर दिया यार। अब एक बार बोल दिया सो बोल दिया। एक काम कर, दोनों का टिकट कर, चलते हैं। ठीक है। बंदूक से निकली गोली और अमित भाई के मुंह से निकली हुई बोली अगर एक बार बोल दिया तो वो वापस नहीं आता। तो अपना कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए हम लोग निकल चुके थे सिलीगुड़ी टू कोलकाता आईपीएल देखने के लिए। और सुबह सुबह जाते हुए यहाँ पर मुझे दिखा इंडिया का नेशनल फ्लैग तिरंगा जो लहराता हुआ, उसको देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। उसके बाद हम चले गए स्टेशन के अंदर। और इस बार की जर्नी मेरी बाकी जर्नी से काफी अलग है क्योंकि तो गाइस आज मैं करीब ना 5 साल के बाद ट्रेन में दोबारा ट्रैवल कर रहा हूँ। लिटरली मैं 5 साल हो गया ट्रेन में चढ़ा नहीं हूँ। 2018 में मैं बैंगलोर गया था, उसके बाद से ट्रेन में मैंने ट्रैवल किया ही नहीं है यार। तो मैंने सोचा यार हर बार फ्लाइट में जाते हैं, आज ट्रेन में जाते हैं, काफ़ी मतलब एक एक्सपीरियंस रहेगा। तो अपना ट्रेन शायद से आ चुका है तो अभी हम जाते हैं यहाँ से कलकत्ता आईपीएल देखने के लिए। यूट्यूब के अलावा यहाँ पर मानिया ड्रिंक बेचते हैं आज पता चला मुझे। कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से। और जैसे हम लोग कोलकाता स्टेशन में पहुंचे वहाँ पर हमको कुछ सब्सक्राइबर मिल गए। खो गए हम कहाँ रंग साए चाँद। भाई कोलकाता आए तो इस टैक्सी में तो चढ़ना पड़ेगा ना। चलो राजते हैं जादू मारते हैं मैं भी हूँ तू भी है। तो गाइस कल रात के हम लोग करीब 8-9 बजे ना स्टेशन से उतर चुके थे और रात के 10 बजे होटल पहुंच गए, सो गए। सुबह उठा, ब्रेकफास्ट किया और अभी मैं जा रहा हूँ विक्टोरिया मेमोरियल, जहाँ पर मतलब काफ़ी बढ़िया जगह है कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल। तो वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखो कलकत्ता का व्यू। भाई मैं कोलकाता में कहाँ आ चुका हूँ मुझे कोई आता पता नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ये लोकेशन समझ में आता है कौन सा जगह है आप लोग कमेंट में बताना। ये दिखने में ऐसा है और सामने यहाँ पर हनुमान मंदिर भी है। भाई मेरे घर के बगल में आम छोटा छोटा लगा हुआ है पेड़ में और यहाँ पर देखो बाजार में पका हुआ आम आ भी गया यार। तो गाइस अभी हम हैं कोलकाता के सबसे फेमस एम्बेसडर टैक्सी के अंदर। ठीक है, एम्बेसडर ना क्या बोलते हैं इसको? एम्बेसडर। हाँ, आप कितने साल से गाड़ी चला रहे हो? 91 से। भाई यार हमको भी छपी ही थी, पता नहीं था, आपको पैदा नहीं होना, नहीं पैदा होने से पहले आता पता नहीं मेरा। तो गाइस कल तो मैंने पूरा दिन ट्रेन में बिता दिया। ट्रेन में कुछ दिखाने के लिए था भी नहीं कि मैं तुम लोग क्या दिखाऊँ ट्रेन में, है ना। बट आज हम लोग कोलकाता अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। हम आज आए हैं विक्टोरिया मेमोरियल में। रात को आईपीएल है, कोलकाता वर्सेस बैंगलोर। ठीक है, और पीछे का सीन देखो भाई, विक्टोरिया है वे पीछे। ये देखो कितना खूबसूरत है, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो कितना खूबसूरत, कितना प्यारा है। और हाँ गाइस, आज का व्लॉग काफ़ी खतरनाक, काफ़ी अच्छा होने वाला है। सब लोग लाइक करो, नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। और रात को भाई आईपीएल केकेआर वर्सेस आरसीबी, एक तरफ अपने राज्य, दूसरी तरफ है मेरा फेवरेट टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। आई होप कोहली आज सेंचुरी मारे, लास्ट गेम में शायद से 82 बनाया था ना। उसी के साथ विक्टोरिया का मज़ा ले रहे हैं। और गाइस आप लोग ना कमेंट में बताना कि कोलकाता में और कौन कौन सी जगह है जहाँ पर मुझे घूमना चाहिए। हावड़ा ब्रिज हो गया, विक्टोरिया हो गया, और शायद से कोई गार्डन है, कोई जू तो नहीं जाऊँगा, जू क्या देखना ना, जू उतना मज़ा नहीं आता। एंड एक क्या कुछ है बोल रहा था ना, कुछ इको नहीं वैक्स गार्डन, आई डोंट नो क्या है, आप लोग कमेंट बताना। ठीक है, आप लोग जब इस विक्टोरिया मेमोरियल में खुद पहुंचोगे ना तब इसकी खूबसूरती को फील करोगे। भाई इतनी खूबसूरत है ये, मैं बता नहीं सकता यार। वीडियो में जो दिख रहा है इससे ये 5-10 टाइम्स बेटर, अच्छा है, मस्त है, काफी बढ़िया है। गाइस ये विक्टोरिया अंदर से कैसा है मुझे पता नहीं, बट बाहर से काफी ज्यादा खूबसूरत है। तो हमने अंदर का म्यूजियम का भी टिकट काटा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे और आई डोंट नो कैमरा करना देगा कि नहीं देगा। अंदर का विजुअल देखे आपको बताता हूँ कैसा है। अगर उन्होंने ब्लॉग करना दिया, वीडियो करने के लिए दिया, तो हम अंदर का भी सीन दिखाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग विक्टोरिया घूमने आते हो तो सोमवार को ये बंद रहता है।
सो गाइस, इसी के साथ हम लोगों ने विक्टोरिया का बाहर अंदर चारों तरफ घूम लिया। और भाई क्या गर्मी है, पसीना से मेरा पूरा चेहरा बिगड़ गया। पहले मैं अकेला नहीं आया था, मेरे साथ मेरे भैया है, मेरी भाभी है, ठीक है, हम तीन लोग आए थे घूमने के लिए। और ये देखो विक्टोरिया काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। तो अभी हम कहाँ जाएंगे रे, कोई आता पता नहीं है, शायद से अभी हम हावड़ा ब्रिज जाएंगे या फिर कोई वैक्स का कोई स्टेडियम या सॉरी म्यूजियम कुछ है बोल रहे थे, कहीं ना कहीं जाएंगे, मज़ा आने वाला है। और शाम को तो आईपीएल है भाई, आईपीएल में तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो में 10,000 कमेंट करने के लिए। इस वीडियो में भी कर दो यार 10,000 कमेंट, क्या कर रहे हो आप। कोलकाता आ ही गए तो एक पुराने मेट्रो में भी चढ़ के देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। गाइस आज से पहले कभी मेट्रो चढ़ा नहीं हूँ, आज फाइनली पहली बार कोलकाता में मेट्रो चढ़ने वाला हूँ। कौन कहता है इंडिया महंगा है बे, मेट्रो में ट्रैवल करो 5 रुपये में। सो गाइस अभी हम लोग ईडन गार्डन के पास आ चुके हैं, ठीक है, और यहाँ पर 10 रुपये। एक बार इधर दिखाओ ना। बट विराट कोहली को पिछले 10 साल से सपोर्ट कर रहे हैं, हारे जा रहे हैं, क्या पता आज जीत जाए। सो गाइस सिलीगुड़ी से कलकत्ता आया था एंड फाइनली मुझे आईपीएल का टिकट मिल चुका है, ठीक है। एंड हमारा शो कहाँ से है क्या, देखो आरसीबी वर्सेस केकेआर, आई होप आरसीबी जीत जाए, यहाँ पर होने वाला ईडन गार्डन में। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं ईडन गार्डन के बाहर और ये देखो क्राउड भाई, क्या भीड़ है, ये देखो रोड। गाइस जो क्राउड और एटमोसफियर है मैं बता नहीं सकता, ये देखो तो स्टेडियम में यहाँ पर आरसीबी का बस आ चुका है जहाँ से आरसीबी के प्लेयर शायद से ग्राउंड में जाएंगे। सो गाइस मेरा लाइफ का पहला आईपीएल, फाइनली हम लोग आ चुके हैं ईडन गार्डन में और ये देखो यहाँ का एटमॉस्फेयर। जैसे कि आप लोगों ने मुझे डेयर चैलेंज दिया था कि 10,000 कमेंट में आरसीबी वर्सेस केकेआर का मैच देखने के लिए, ठीक है, मतलब आरसीबी का मैच देखने के लिए वो भी स्टेडियम में जाके, एंड फाइनली आज मैं आ चुका हूँ ईडन गार्डन कोलकाता में आरसीबी वर्सेस केकेआर में आरसीबी को सपोर्ट करने के लिए। देखते हैं आज कौन जीतता है, अगर आरसीबी हार गई तो चैट पे कोई भी कमेंट में कोई भी मुझे पनौती नहीं लिखना, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर इतने बड़े स्टेडियम के अंदर मुझे एक नेपाल का झंडा दिखा, मतलब कि ये लोग नेपाल से आईपीएल देखने के लिए यहाँ पर आए हैं यार, हैट्स ऑफ ब्रो। गाइस हमारे साथ हमारे सब्सक्राइबर भी यहाँ पर मेरे साथ देखने के लिए आए, ठीक है, आज कौन नहीं देखा भाई, हम दोनों आपको सपोर्ट है, ठीक है। सो गाइस अभी मैच शुरू हो चुका है, ठीक है, पहला ओवर में 9 रन हुआ है एंड मैं इस ग्राउंड का फुटेज दिखा नहीं सकता बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इशू, एंड मेरे साथ ही अनुप आया है, आरसीबी का सपोर्टर है, मेरे साथ भाभी आई हुई है, भाभी जी पानीपुरी वाले वीडियो में तो पूछे देखा नहीं, भाभी है मेरी सालो भाई, सारा का सारा क्राउड केकेआर का सपोर्टर है और मैं आरसीबी का, ठीक है, वो लोग पीट पीट ना दे मुझे यार, ये देखो इधर पता नहीं सिलेक्ट किया है। तो नहीं है, आई हो गया, विराई हो गया, विराट है क्या फ़ायदा इतना महंगा टिकट काटने के बावजूद, अगर तुम आईपीएल के स्टेडियम में आके भी कोई गेम खेलते हो वो भी फ़ोन में, तो भाई यार तुम गेम एडिक्ट हो चुके हो बे। भाई खुश है ना आज,
खुश है कि नहीं? खुश है? ये कितना डरा डरा क्यों है तू? हंसते एक बार स्माइल कर दो, देख हंसता ही नहीं भाई, तू हंस दो। ये ठीक है भाई, ये मेरा मेरे सब्सक्राइबर लोग है, आरसीबी के फैंस नहीं है यार, केकेआर के जीत गए, बहुत खुशी देख रहे हो, देखो कितना खुश है। और मुझे देखो, तो इसी के साथ केकेआर वर्सेस आरसीबी का मैच में आरसीबी की हार होती है और सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब लोग, ये कितना बड़ा पोस्टर लगाया पे। कोई बात नहीं गाइस, अपनी फेवरेट टीम आरसीबी है, हार जीत हो कोई बात नहीं, आज मेरा लक अच्छा नहीं था कि मैं जीता हुआ मैच देख पाया, बट कोई बात नहीं, आई होप नेक्स्ट टाइम जरूर। हेलो भाई, अरे भाई थैंक यू, तू भी आज ब्लॉग पे, चलो ब्लॉग बना रहा हूँ, देखना ब्लॉग, ठीक है? थैंक यू भाई, एक विश तो मेरा पड़ गया। चलो हम तोड़ गए जब तुम झुके, तब से तुम नजर में आ रुके, हम तो हो गए जमा धीरे धीरे मालामाल, अब तो होना है वही जो बनाए जहां, हो गए जमा धीरे धीरे मालामाल, अब तो होना है वही जो बनाए जहां।